2019 में इस देश में इलेक्शन हुई, इस देश में जब इलेक्शन हो रही थी, हमारे वोट लेने के लिए आधार कार्ड चल रहा था, हमारे वोट लेने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चल रहा था, इलेक्शन आईडी चल रहा था, राशन कार्ड चल रहा था, और जब नागरिकता देने की बात आ रही है तब कहते हैं कि ये सारे कार्ड नहीं चलेंगे। मैं भी अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, ठीक है कि ये कार्ड नहीं चलेंगे, लेकिन इस कार के ऊपर, इस कार के बदले में, इस कार के बलबूते पर आप लोगों ने हमारे वोट लिए, हमारे वोट पर आपने सत्ता बनाई। अगर आज हमारे कार नहीं चलते तो आपकी सत्ता भी नहीं चलेगी। मोदी जी को कहना चाहता हूं कि मोदी जी, ये देश आपके बाप के कानून पे नहीं, मेरे बाप के कानून पे चलेगा। को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, मैं पलकें अपनी बिछाकर अपने भाई श्री राज रत्न अंबेडकर बाबा साहब के पोते का इस्तकबाल करता हूं कि सर आप माइक पर आए और इस मंजर को एड्रेस करें जोरदार तालियों के साथ। राज रत्न अंबेडकर, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय गुरुदेव, जय भीम। सबसे पहले इस बंगाल की धरती को नमन करता हूं, जिस बंगाल ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को इस देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में भेजा, उस बंगाल की धरती को मैं नमन करता हूं। इसी बंगाल की धरती से बाबा साहब संविधान सभा में गए और इस देश का नहीं पूरे विश्व का महान ऐसा संविधान बाबा साहब ने भारत को दिया, ऐसे इस बंगाल की धरती को मैं नमन करता हूं। उस समय भी इस देश का मुस्लिम बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने के लिए बाबा साहब के पीछे डट कर खड़ा था, और आज भी उस संविधान को बचाने के लिए ये मुस्लिम भाई आज भी खड़ा है। ये देखकर आज मैं सही में बाबा साहब अंबेडकर जी के परिवार के माध्यम से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी जी से कहना चाहता हूं कि बहुत फैलाली नफरत की आग, बहुत जला लिया ये देश नफरत की आग में, बहुत जला लिया ये देश नफरत की आग में, प्यार ही प्यार मिलेगा एक बार आइए इस शाहीन बाग में, इस शाहीन बाग में। देखो आज इस देश में जो है CAA, NRC, NPR बना है, ये कानून केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून केवल एक धर्म के, एक जाति के लोगों के अधिकार छीनने का काम नहीं करने वाला। इस देश में जब NRC लागू होगा, CAA तो लागू होगा, तब इस देश का सबसे पहले बाहर जाएगा इस देश का आदिवासी, इस देश का हिंदू, SC ST OBC। इस देश में कानून इन्होंने ऐसा बनाया है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक के लोगों को इस देश में नागरिकता देंगे, और इस देश के जो नागरिक हैं उनको 21 मार्च 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट मांगेंगे, और जिसके पास 21 मार्च 1971 के डॉक्यूमेंट जिसके पास नहीं होंगे उनकी नागरिकता ये लोग छीन लेंगे। और क्या कहते हैं अमित शाह, कौन से डॉक्यूमेंट चलेंगे नागरिकता बनाने के लिए, नागरिकता सिद्ध करने के लिए? ये लोग कहते हैं कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, वोटर आईडी नहीं चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, इलेक्शन आईडी नहीं चलेगा। 2019 में इस देश में इलेक्शन हुई, इस देश में जब इलेक्शन हो रही थी हमारे वोट लेने के लिए आधार कार्ड चल रहा था, हमारे वोट लेने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चल रहा था, इलेक्शन आईडी चल रहा था, राशन कार्ड चल रहा था, और जब नागरिकता देने की बात आ रही है तब कहते हैं कि ये सारे कार्ड नहीं चलेंगे। मैं भी अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, ठीक है
ठीक है कि ये कार नहीं चलेंगे, लेकिन इस कार के ऊपर, इस कार के बदले में, इस कार के बलबूते पर आप लोगों ने हमारे वोट लिए, हमारे वोट पर अपने सत्ता बनाई। अगर आज हमारे कार नहीं चलते तो आपकी सत्ता भी नहीं चलेगी और उस क्रोध पर बनी हुई सरकार को भी आपको अघोषित, इसको इनवैलिड घोषित करना होगा, तब जाकर हमारे कार आप लोग इनवैलिड घोषित करी। देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सीए, एनआरसी, एनपीआर का भविष्य क्या है। इस सीए के कानून का विरोध करने के लिए हमने खुद पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर की। 22 जनवरी 2020 को इसकी पहली सुनवाई हुई। 22 जनवरी को जब सुनवाई हुई कि भारत की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऑलरेडी 160 पिटीशंस सीए के विरोध में आई है, अब सीए के विरोध में कोई भी याचिका सुप्रीम कोर्ट नहीं स्वीकारे। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को जवाब दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर देश के लोग सीए के विरोध में पिटीशन दायर करना चाहते हैं तो वो उनका वो संवैधानिक अधिकार है, हम उनके अधिकार को नहीं छीन सकते, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जज भी कह रहा है कि संविधान में लिखे हुए अधिकारों को जो लोगों के हाथों में है उसको हम नहीं छीन सकते। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, ये देश बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर चलता है। ये देश देखो, आज आप लोग बता रहे हो, आप लोग मेरा इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि मैं बाबा साहब का परपोता हूं। हम लोग बाबा साहब के, तुषार गांधी जी, गांधी जी के घर में जन्म लिए होंगे, लेकिन हम बाबा साहब के, गांधी जी के बच्चे नहीं हैं। इन महान नेताओं ने अपने घर वालों के लिए, अपने परिवारों के लिए आंदोलन नहीं किया। गांधी जी का परिवार तुषार गांधी नहीं, बाबा साहब का परिवार ये राजरत्न अंबेडकर नहीं, इन महापुरुषों का परिवार ये मेरे सामने है, ये है बाबा साहब का, गांधी का परिवार। इन लोगों के लिए अपनी जान, अपनी कुर्बानी दी है, और इसलिए मैं आज उस अधिकार के तौर पे थोड़ा सा कह सकता हूं। अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, गांधी जी, ये मोदी जी को कहना चाहता हूं कि मोदी जी, ये देश आपके बाप के कानून पे नहीं, मेरे बाप के कानून पे चलेगा, मेरे बाप के लिखे संविधान पे चलेगा, आपके बाप गोलवलकर के संविधान पे नहीं चलेगा, उसके संविधान पर नहीं चलेगा। ये देश उस संवैधानिक माध्यम से ही चलेगा जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि संविधान में अगर नहीं है तो नहीं हो सकता। और इसलिए मैं आप लोगों को यह शाश्वती देना चाहता हूं, अमित शाह कह रहे कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा अमित शाह कह रहे हैं। हम भी कहना चाहते हैं, हम एक इंच छोड़ो, हम तो चार कदम और आगे आ गए हैं। पूरा देश आज इस सीए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहा है, पूरा देश विरोध कर रहा है। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्यों डर लग रहा है इनको संविधान से, क्यों ये जो लोग हैं संविधान को हटाने के लिए क्यों काम कर रहे हैं। आज यही संविधान इस देश के हर एक इंसान को, हर एक बंदे को अधिकार दे रहा है। इन 70 सालों में देखो, ये संविधान लागू होने से पहले हम लोग इस देश में अनटचेबल्स थे, छूने तक का अधिकार हम लोगों को नहीं था, हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, हम लोगों को बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब के संविधान के वजह से जिस कौम को बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं था, आज वो कौम हवाई जहाज उड़ाती है। ये बदल बाबा साहब के संविधान के वजह से इस देश में हुआ, और इसलिए आज ये इस देश के संविधान को हटाना चाहते हैं। फिर से इस देश में उनकी मनुस्मृति का कानून इस देश में लागू करना चाहते हैं, इस देश में बाबा साहब के संविधान के वजह से। आज मैं मोदी जी का, अमित शाह का धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनके एक गलती के वजह से
उनके एक गलती की वजह से ये सारे लोग जो हिंदू बने बैठे थे, मुसलमान बने बैठे थे, क्रिश्चियन बने बैठे थे, बौद्ध बने बैठे थे, सिख बने बैठे थे, ये बाबा साहब के उस वाक्य के ऊपर ये सारे लोग आज भारतीय बना दिए। ये मोदी और गाये अमित शाह की गलती की वजह से आज हम सारे एक हो गए, वरना हम तो अपने अपने जातियों में दर में लगे पड़े। आज हम भारतीय होने के नाते इस देश को बचाने के लिए आ गया है। मैं शाहीन बाग में गया था, आज भी हमारे सारी दादी और नानी वहां पर बैठी है, आज दादी यहां पर है। इनको पूछ रहे थे मीडिया वाले कि दादी आप क्यों धरने पर बैठी है। एक भी औरत वहां की, एक भी दादी, एक भी नानी ये नहीं कहेगी कि हम एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। एक भी महिला वहां पर नहीं कहेगी कि हम सीए का विरोध कर रहे हैं। सारी महिला, सारे बच्चे, सारे पुरुष वो एक ही बात कहते हैं, हम संविधान को बचाने के लिए यहां पर बैठे हैं, संविधान को बचाने के लिए। और इसलिए आज इस देश के संविधान को बचाने के लिए, देखो आज जिस तरह से बाबा साहब को संविधान बनाने के लिए इस देश के मुसलमानों ने संविधान सभा में भेजा, आज वही मुस्लिम इस देश के संविधान को बचाने के लिए आगे आया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी यह लड़ाई अकेले की लड़ाई नहीं है, हम सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग इस लड़ाई में शामिल है। लेकिन इस देश का मीडिया इस आंदोलन को केवल एक जाति, एक धर्म का